हे दोस्तों, वेलकम टू द स्ट्राइकर सैक। और आज की वीडियो होने वाली है हमारी जो है सीरीज चल रही है माइनक्राफ्ट के कॉमन एरर के सॉल्यूशन की। तो ये थर्ड टू वीडियोस पोस्ट कर चुका हूँ, ये थर्ड वाली रहेगी। सो हमें आगे और भी बहुत सारी मतलब सीरीज़ बनाना है। एक तो फ्री कैसे क्या आप माइनक्राफ्ट डाउनलोड करके इसकी पूरी सीरीज़ चलाना था, तो ये भी एक महीना हो चुका है, बट इसको भी कंटिन्यू करूँगा। सो फिलहाल चलते हैं हम अभी इसके जो थर्ड में सॉल्यूशन की तरफ, जो कि पोर्ट फॉरवर्डिंग के नाम से मतलब बोला जाता है, जिसके अंदर हमारे को माइनक्राफ्ट के पोर्ट को अलाउ करना पड़ता है फायरवॉल के थ्रू। सो क्योंकि कैसा होता है कि फायरवॉल जो है माइनक्राफ्ट के पोर्ट को ब्लॉक करता है, हो सकता है कुछ रीज़न उसका बैकग्राउंड में चलता होगा। सो चलते हैं गाइस सॉल्यूशन की तरफ। एंड थर्ड वाला भी एक सॉल्यूशन है जो कि फायरवॉल से रिलेटेड है, कि फायरवॉल जैसे एंटीवायरस कुछ कनेक्शंस को ब्लॉक करता है, वैसे ही फायरवॉल भी कुछ कनेक्शन को ब्लॉक करता है। तो सबसे पहले तो अपन आते हैं, इसको ना अपने को परमिशन देना पड़ता है पोर्ट की। पोर्ट जो है एक माइनक्राफ्ट का पर्टिकुलर पोर्ट है 25565। तो इस पोर्ट को अपने को डालना है फायरवॉल में। उसके लिए जस्ट क्या करेंगे, अपन कंट्रोल पैनल में आएंगे, ठीक है। अगर आपका लार्ज आइकन रहेगा तो आपको यहीं दिख जाएगा विंडोज डिफेंडर फायरवॉल। तो यहाँ पर आकर आपको जस्ट एडवांस सेटिंग में जाना है, एंड यहाँ पर राइट लेफ्ट टॉप पर दिख जाएगा इनबाउंड रूल्स एंड आउटबाउंड रूल। तो ये दोनों जगह आपको सेट करना है। तो सबसे पहले इनबाउंड में आते हैं, एंड यहाँ पर क्लिक करते हैं न्यू रूल पर। न्यू रूल पर अपने को पोर्ट सेट करना है। एक्चुअली अगर पोर्ट ब्लॉक करता है तब ये इशू आता है कनेक्शन टाइम आउट वगैरह का, तो अपने को पोर्ट पर क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है। यहाँ पर TCP एंड UDP दोनों चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो TCP रहने देते हैं। एंड जस्ट यहाँ ये ऑल लोकल पोर्ट्स था, तो इसको ओपन करेंगे, मतलब डिफ़ॉल्ट स्पेसिफिक लोकल पोर्ट ही रहता है, तो आपको यही रखना है। एंड जस्ट यहाँ पर पोर्ट डाल देना है 25565। सो जस्ट इसको नेक्स्ट करते हैं अपन एंड अलाउ द कनेक्शन, ठीक है। क्योंकि अपने को जो पोर्ट पर अलाउ कनेक्शन करना है, अगर जैसे किसी को कोई पोर्ट ब्लॉक करना है तो वो पोर्ट डाल के यहाँ पे ब्लॉक भी कर सकता है, बट अपने को अलाउ करना है तो यहाँ पे अलाउ द कनेक्शन पर रहने देंगे, नेक्स्ट। इसको डोमेन भी रहने देंगे, प्राइवेट भी रहने देंगे एंड पब्लिक भी, ताकि अपने को कहीं भी कोई दिक्कत ना आए। जस्ट नेक्स्ट करेंगे आप जैसे नाम कुछ, जैसे माइनक्राफ्ट डाल देता हूँ मैं, फिलहाल माइनक्राफ्ट है तो माइनक्राफ्ट पोर्ट कर देते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ऑप्शनल है, तो बस माइनक्राफ्ट पोर्ट लिख दिए एंड फिनिश कर दिए। तो आपका जस्ट ये सेट हो गया, यहाँ पर माइनक्राफ्ट पोर्ट आ गया है। सेम चीज़ अपने को आउटबाउंड में भी करना है, न्यू रूल, और सेम मेथड वही जैसा जो प्रीवियस बताया, सेम वैसे ही सेट करके यहाँ पर भी आपको सेट कर देना है, जस्ट सेम ही है, ठीक है। तो ये एक मेथड हो गया जिसके थ्रू आप फायरवॉल के अंदर अपना सेट कर चुके हो माइनक्राफ्ट का पोर्ट। सो दोस्तों, ये हो चुका है अपना थर्ड सॉल्यूशन जो कि पोर्ट फॉरवर्डिंग का था। ये भी काफ़ी हद तक काम करता है अगर फायरवॉल की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो तो। सो ये सॉल्यूशन भी आप ट्राई करके देख सकते हो एक बार, इससे भी मतलब आपको ज़्यादा टाइम तो जाएगा नहीं, 2-4 मिनट लगता है बस करने के लिए। सो ट्राई करिए और बताइए फिर कि आपका काम हुआ कि नहीं कमेंट सेक्शन में। सो आज के लिए इतना काफ़ी है गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे।